हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और ये ना सुबह का टाइम है और मेरा बेटा जो है वो खेल रहा है। और आज जो तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है और सर्दी हो गया है मुझे, और अब मेरी आवाज़ भी गला बैठ सा गया है मेरा। और देखिए, मेरा बाबू जो गुब्बारे के साथ खेल रहा था, कितना अच्छा डिज़ाइन बना है गुब्बारे में। देखिए, एकदम फ्लावर गुलाब के फूल बने हैं इसमें, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। बाबू इसको ज़्यादा देर तक ना नहीं खेलेगा, इसको जल्दी ही फोड़ देता है, फोड़ देगा इसको। और देखिए, बाबू ना चलते चलते बाड़ी तरफ आ गया था, क्योंकि बाड़ी तरफ से ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही थी। हमारे यहाँ डालवा की फसल होती है देखिए, और वो जो दो मजदूर हैं वो लोग ना मेड़ की सफाई कर रहे हैं, डालवा फसल की तैयारी कर रहे हैं। और ये ना गोविंदा घर ना गिट्टी लाइट ढलाई करने के लिए, क्योंकि उनका घर जो बन रहा है वो ढलाई हो चुका है। तो जितना गिट्टी यूज करना था वो यूज कर चुके हैं, जितना बच गया उसको ना ढक दिए हैं साड़ी वाले पाल से। और देखिए, खेतों में ना ट्रैक्टर से ना जुताई कर रहे हैं, कीचड़ को तैयार किया जा रहा है, और इसमें धान की रुपाई होगी। और जो है, मुझे ना बहुत ज़्यादा सर्दी है और बहुत परेशान हूँ मैं सर्दी की वजह से। जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना तो बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा, इतना ज़्यादा सर्दी था। तो देखिए, ट्रैक्टर से जो है कीचड़ के बनाने की तैयारी हो रही है खेतों में। और हम लोग आ गए थे, बाबू और मैं ना आ गए थे हम लोग बाड़ी तरफ। और हमारे खेतों में जो करेला हम लोग आए हैं ना, भिंडी के खेत के चारों तरफ हम लोगों ने करेला को उगा रखा है। तो मैं देख रही थी कि कौन सा करेला मतलब तैयार हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग नहीं जा पाते हैं बाड़ी तरफ, तो करेला बड़ा होकर पक जाता है और देख नहीं पाते हैं। अभी करेला निकला नहीं है, एक दो बस निकल रहा है। तो मैं देख रही थी कि कौन सा करेला जो है वो खाने लायक हो गया है। तो यहाँ पे एक तो मेरे को मिला, मैं देखी थोड़ा सा पीला हो गया था एक करेला, तो उसको मैं तोड़ लूँगी। और दूसरी तरफ हम लोग खेत के आ गए थे, खेत का चक्का लगा रहे थे हम लोग। तो ये देखिए, मेड़ में ना पानी जाने की सुविधा बनाया गया है। और सब पूरा हमारे गांव में जितने भी खेत हैं ना, सब डालवा फसल होता है, दो फसल वाला गांव है ये। तो सब ना अपने अपने खेत की तैयारी करने में लगे हैं। ये गांव ना बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है, अभी घरों में कोई भी नहीं है, सब खेतों में काम करने में लगे पड़े हैं। तो मैं खेत के चारों ओर, जो भिंडी का खेत है हमारा ये देखिए, खेत के चारों ओर ना मैं चक्का लगा रही हूँ, करेला जो है वो देख रही हूँ सबको। और देखिए, हमारे गांव के खेत में ऐसे तैयार किया गया है खेत को, अभी धान की इसमें रुपाई होगी। और तभी हम लोग आ गए थे बाड़ी तरफ, ये ना गोविंदा घर का बाड़ी है। बाबू इधर आ गया था तो मैं आई थी। तो देखिए, गोविंदा की मम्मी ने ना, मेरे चाची सास ने, चाची जी ने ना ये टमाटर उगा रखा है। टमाटर ये ना ऐसे डंडा में डाल के लोग उगा के रखे हैं, ताकि इसका जो टमाटर है ऊपर फले और नीचे खराब ना हो, इसी वजह से डंडा डाल रखा है। और ये बैंगन है, और ये पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी जो है पानी में ख़राब हो गया है, अच्छा नहीं बढ़ रहा है। और ये बाबू ना भाग गया था, एक स्वेटर जो लाल वाला पहना था ना गीला कर दिया था, इसलिए दूसरा मैंने चेंज कर दिया था। और तभी बाबू के साथ ना मैं ये चाचा के घर में आ गई थी, जो हमारा गली है ना सबसे पहला घर जिनका पड़ता है, वो वाले चाचा के घर में आ गई थी। तो उनका ये ऊपर वाला घर है, नीचे लोग रहते हैं, अभी ऊपर को बनाया है इन लोगों ने, तो अभी नहीं रह रहे हैं, ऊपर आए नहीं हैं। तो बाबू इन बच्चों के साथ खेल रहा था, इन्हें एकदम खुला खुला जगह है, तो बाबू अच्छे से खेल रहा था, इसी वजह से मैं उसको खिलाने के लिए आई थी। और मेरी तबीयत ख़राब है तो मैंने आज ज़्यादा काम नहीं किया है, बस हल्का फुल्का काम मैंने बस कर दिया है। और बाबू को ये देखिए, रूम में ना लोग धान रखे हैं, ये ना एक मंदिर रूम है, ऐसा ऐसा बनाया है इन लोगों ने, देखिए इनका घर। और बस बाबू को आज मैं उसके साथ बस खेल रही हूँ, घुमा रही हूँ उसको, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब है। बाबू को रखना मेरे लिए कठिन हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे सर्दी के कारण। देखिए, बाबू यहाँ पर अच्छे से खेल रहा है। और यहाँ पर चाची जी ने ना चूल्हे पर खाना बनाने के लिए बैठा दिया है पानी को, क्योंकि नीचे इनका ना चूल्हा रखने का जगह नहीं है, तो ऊपर वाले यहाँ पे बालकनी है, वहाँ पे चूल्हा डाल रखे हैं इन लोगों ने खाना बनाने के लिए। तो ज़्यादा मजदूर होते हैं ना, तो ये लोग चूल्हे पर खाना बना देते हैं चावल को बस, और नीचे गैस में इनका सब्जी बनता है। और ये ऊपर जाने का रास्ता है, और हम लोग ऊपर आ गए थे, सब बच्चे आ गए थे, बाबू भी आ गया था। और ये मैं ऊपर से थोड़ा सा व्यू ले पाई हूँ, ज़्यादा कुछ लिया नहीं मैंने।
और थोड़ी देर नीचे खेलने के बाद देखिए यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। नीचे खेलने के बाद मैं ना घर आ गई थी देखिए, और मैंने नहा लिया था। जब मैं बाबू को लेकर गई थी ना, नहाया नहीं था मैंने। आके ना मैं बाबू को थोड़ा सा खाना वाना खिला दी तो बाबू सो गया था। और मैं थोड़ा सा घर की सफाई कर दी हूँ। जब बाबू सो गया ना तो मैंने अपना कपड़ा वपड़ा मैंने नहाया नहीं आज, बस हाथ पैर धोया है और गर्म पानी से हाथ पैर धोया। और जो कपड़ा था ना उसको मैं जहाँ नल है हमारा वहाँ पे ना मैं धो के ना सुखा दी हूँ कपड़े को। और अभी मैं घर की थोड़ी सफाई कर लूँगी फिर खाना खाऊँगी मैं। बाबू सो गया है और थोड़ी देर के बाद खाना वाना खाने के बाद ना मैं पानी भरने के लिए बाल्टी तरफ आई थी। देखिए तो बाल्टी को मैं धो दी थी, इसको ना राख से अच्छी तरह से साफ़ किया था मैंने और अच्छे करके ना मैं इसको धो दे रही हूँ क्योंकि मुझे साफ पानी की ज़रूरत है अभी, तो कुछ काम है मुझे। तो घर में पानी था लेकिन मुझे साफ पानी की ज़रूरत थी, ताजे वाले पानी की, इसी वजह से मैं बाल्टी तरफ आ गई थी। तो देखिए हमारा नल जो है टूट गया है, अभी लीक हो रहा है लेकिन इसको नहीं बंद कर रहे हम लोग क्योंकि पानी की ज़रूरत है अभी खेतों में, इसी वजह से जाने दिया जा रहा है। और यहीं पे गोविंदा की मम्मी ने ना कुंदरू उगा रखा है। देखिए ये वाला ना हम लोग इसको ना परवल वाला कुंदरू बोलते हैं, ये गोला गोला टाइप से होता है ना, लंबा वाला ज़्यादा नहीं होता है। और वहीं पर ना ये मेंथल का पौधा था, हम लोग इसको ना पुतना पतर बोलते हैं, ऐसे हमारी भाषा में उड़िया भाषा में बोला जाता है। तो देखिए मेरा जो पानी है, मेरा बाल्टी जो है भर चुका है, तो मैं घर चली जाऊंगी। और ये मैं आ गई थी ना गोविंदा घर के ऊपर को, उन लोगों ने ऊपर वाला जो बनाया है उसके ऊपर आ गई थी मैं। तो देखिए वो वाला हमारा भिंडी का बाड़ी है और चारों ओर जो है धान का खेत है, वहाँ पे धान उगाया जाएगा खेतों में, उन खेतों में। और वो हरा वाला दिखाई दे रहा है वहाँ पे, हम लोग गाय को बांधते हैं। और ऐसे कुछ नज़ारा है हमारे बाड़ी का, और छोटा सा दिखाई दे रहा है नल है वो हमारा, देखिए ऊपर से ऐसा दिखाई देता है, बहुत छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। देखिए वो वाला जो आंगनबाड़ी है, कल मैं आप लोगों को लेके गई थी आंगनबाड़ी, तो आंगनबाड़ी पूरा आखिरी गांव है, आखिरी का इस गांव का ना आखिरी छोर है। तो उस आंगनबाड़ी से लेकर ना दिखा रही हूँ, देखिए उस आंगनबाड़ी से लेकर यहाँ तक बस, ज़्यादा नहीं है, जहाँ तक दिखाई दे रहा है आप लोगों को बस वहाँ तक एक लाइन में ये गाँव है, बहुत छोटा सा गाँव है। और नीचे वाला हमारा घर था। और ये मैं थोड़ा सा टहलने के बाद ना, देखिए थोड़ा सा टहल रही थी क्योंकि आज धूप थोड़ा खिला था, बहुत अच्छा लग रहा था, धूप इतना अच्छा लग रहा था क्या बताऊँ। एक तो सर्दी है और 5-6 दिन से ना धूप देखने को नहीं मिल रहा था, तो धूप आया था ना तो बहुत अच्छा लग रहा था, तभी मैं थोड़ा सा ऊपर टहल रही थी, अच्छा लग रहा था मेरे मुझे। और बाबू अपने चाचा के साथ घूमने गया है, तभी मुझे लगा कि वो आ गए हैं बाबू को लेकर, इसी वजह से मैं नीचे आ जा रही थी। गोविंदा घर हमारा घर एकदम बिल्कुल सटा हुआ है, पास ही है, तो हमारे घर में कुछ होता है तो आवाज़ तो आती है, तो मुझे सुनाई दिया बाबू की आवाज़, तो मैं नीचे आ गई थी। ये देखिए गोविंदा का घर ना ऐसे सेंटरिंग किए हैं ये लोग, और बाबू आ गया था मैं। और ये देखिए मैं ना कल के लिए ना, कल पुष्पुन्नी है तो उसके लिए ये उड़द की दाल को भिगा के रखी हूँ, कल बड़ा बनाएंगे इसको। ये ना हमारे घर का है उड़द है, और ये ना छिलका वाला उड़द है। तो थोड़ा काम करके ना थोड़ा सा मैं बैठ गई थी, बहुत थकावट हुई इतना जल्दी काम करके, क्योंकि ऊपर से आई थी ना धूप से तो बहुत थक गई थी मैं। तो अभी चलते हैं बाड़ी तरफ, हम लोग थोड़ा सब्जी ले आएंगे कल के लिए, जितना मतलब चाहिए मुझे उतना लाऊंगी क्योंकि पास तो बाड़ी है, तो जितना ज़रूरत होता है ना उतना बस लाते हैं हम लोग। तो ये कुछ सब्जियां हैं मैं लेके आ गई हूँ, ये प्याज पत्ता है और धनिया पत्ती, और ये बैंगन, और ये फूलगोभी। और प्याज पत्ता और फूलगोभी कल शायद बड़ा या जो भजिया बनाएंगे उसमें डालेंगे। और तभी ना 4 बज चुके थे, मैं चाय बनाऊँगी अभी, तो मुझे ना अदरक वाली चाय पीने का बहुत मन किया क्योंकि सर्दी भी है, तो ये मैं अदरक को ना थोड़ा सा सिलबट्टी में दबा दे रही थी, अदरक का छिलका पूरा निकल गया था, इतना साफ़ हो गया था अदरक। तो देखिए चाय मैंने बैठा दिया था, अब इसमें डाल दूँगी अदरक और अदरक वाली चाय पियेंगे आज। तो देखिए मेरा चाय जो है उबल चुका है, कोई कोई ऐसे होते हैं कि चाय को उबलने के बाद ना तुरंत बंद कर देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, थोड़ी देर उसको उबलने दीजिएगा,
उसका टेस्ट बढ़ जाता है। थोड़ी देर उबलने दीजिएगा, चाय पत्ती अदरक सब मिक्स हो जाएगा तभी बंद करूँगी मैं। तो देखिए मैंने बंद कर दिया है, और ये ना शाम का टाइम है, जो अभी जो क्लिप दिखा रही हूँ ना शाम का टाइम है। मैंने उड़द को साफ कर लिया था, तो हमारे मशीन में ना इसको पीसेंगे। तो उस दिन मैंने पीसने वाला को सूट की थी, आपको बताई थी। तो आज कैसे इसको फिट करते हैं हम लोग, कैसे देखिए ऐसे इसको फिट किया जाता है, खटिया में या फिर आप पट्टा खड़ बोलते हैं हम लोग, तख्ता में, ऐसे बेंच में टेबल में आप फिट कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास एक खाट है, तो इसको देखिए मैं इसके ना जो स्क्रू था उसको फिट कर दी हूँ, और जो ऊपर गोल दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ना उड़द को डाला जाता है और चक्का को घुमाया जाता है। और जो अभी छुरी हो ना उसको ना सेटिंग किया जाता है, टाइट ढीला आप कर सकते हैं इससे। तो ऐसे सेटिंग करके ना देखिए हम लोग पीस रहे हैं, पूरा सेटिंग हो जाता है तभी हम लोग ऊपर डालते हैं। और नीचे देखिए कैसे धीरे धीरे करके निकल रहे हैं हमारा उड़द। ये शाम का टाइम है, मेरे देवर देवरानी पीस रहे थे, मैं बाबू को बस पकड़ के ना देख रही थी, क्योंकि मेरे बेटा जब रहता है तो मैं काम नहीं कर पाती हूँ, वो सबको ख़राब कर देते हैं, नुकसान कर देगा, इसी वजह से ना वो दोनों पीस रहे थे। अब मैं वहीं पर खड़े होकर देख रही थी। देखिए हमने पीस चुके हैं, हमारा जो उड़द है पीस चुके हैं। और ये वाला ना क्लिप मेरे हस्बैंड जो है वो लेके आए थे कब उसने के लिए। मैं कोई शो अप नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे हस्बैंड का शौक, देखिए कितना सारा ले आए थे। हम लोग को पुंगा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, इसको ना नड्डा बोला जाता है। तो कितना ले गए थे, जितना दुकान में था सबको एक एक पाव ले आए थे। और ये जो बड़ा वाला जो प्लास्टिक है वो ना 1 kg का है, मैं बस 1 kg लाना बोली थी, पीला वाला बोली थी, तो ये बहुत सारा ले आए थे। और बेसन देखिए कितना पुड़िया ले आए हैं, बस मैं 1 kg बोली थी। और ये पापड़ और ये उड़द सब कुछ ले आए हैं। मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, मैं दोबारा बोल रही हूँ मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, ये खाने का सोडा है, बस दिखा रही हूँ मेरे हस्बैंड का शौक कि उनका कितना उत्साह है इस त्यौहार के लिए। और मेरे सास ससुर नहीं है तो हमें सबको नहीं बनाएंगे, जब वो लोग आएंगे तब बनाएंगे हम लोग। तो वीडियो को ही प्रेरण करते हैं हम लोग, और वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।